दोस्तों आज अमेरिका में पवनदीप और नीता कहां पर शो करने वाले हैं? जी हां दोस्तों, अमेरिका में इनका लास्ट शो हॉस्टन में हुआ और अब इनके अगले शो को लेकर एक लेटेस्ट और बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। इनका अमेरिका का शो जो हॉस्टन में हुआ, वो शो ऑडियंस को कैसा लगा और कितने लोग इसे देखने के लिए आए थे, आखिर क्या है इसको लेकर पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू बॉलीवुड। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे के निशान को जरूर दबा दें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनके होस्टन के शो की, तो ये शो पूरा हाउसफुल रहा। कहा ये जा रहा है कि इस शो में पवनदीप और नीता दोनों की एंट्री बाकी के सभी शो से बिल्कुल अलग थी। पवनदीप ने इस शो में गजल भी गाई जो ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद भी आई। हमेशा की तरह पवनदीप ने गाते वक्त म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाए। दोस्तों अब बात करते हैं इनके आने वाले शो की, तो इनका अगला शो सैन जोस कैलिफोर्निया में होने वाला है। कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट से इनकी एक वीडियो भी सामने आई है। ये सभी कैलिफोर्निया में पहुंच चुके हैं। अमेरिका में ये चारों पवनदीप राजन, अनिता कांजीलाल, साइली कामले और मोहम्मद दानिश बैक टू बैक शोज कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा है जब इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है और अमेरिका जैसे बड़े देश में ये शोज कर रहे हैं। अमेरिका में इनके बैक टू बैक 12 शोज हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और रियलिटी शो से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।